अब हमारी चीज तो दे दी तो दे दी, उसको पता नहीं क्या क्या दिया मैंने। उसका ठेका दे रखा क्या मैंने? हेलो, हाँ मैडम, बड़े दिन बाद याद किया। अच्छा, और बताओ, हमारी शादी हो गई तब से तो भूल गई, मतलब 4 साल हमने डेट किया एक साथ। हाँ, आओ कभी हवेली पे। बड़े हरामी हो बेटा, डिनर विनर करते हैं। यार तुम तो भूल गई बिल्कुल। और क्या, अरे अब हमारा रिलेशन नहीं रहा तो कभी घूमने तो आ सकती हो। अरे डिनर करने आओ। अरे चुड़ैल कुछ नहीं कहेगी। अच्छा, अरे नहीं। कौन है? तो कल आओ फिर, क्या क्या बनवा लूं। अच्छा, तुम्हारा मन पसंद तंदूरी चिकन। और ओहो, पनीर टिक्का। चलो मैं सब तुम्हारा मनपसंद का खाना बनवा के रखूंगा। ठीक ठीक कौन है? बाय, लव यू। कौन है? अरे यार वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं थी पहले तो? रोजी, उसका ही फोन आया था, बड़े दिन बाद आया उसका, 6 महीने साल भर बाद फोन आया, तो मैंने उसको इनवाइट किया है डिनर के लिए। तो कल एक काम करना, 1 किलो चिकन लेके आऊंगा, ओवन में बढ़िया से तंदूर कर लेना, और पनीर टिक्का, और बढ़िया से गर्मा गर्म खाना बना के रखना तुमको। तुम्हारी गर्लफ्रेंड के लिए? हमारी गर्लफ्रेंड के लिए ही। और क्या, तुम्हारी गर्लफ्रेंड के लिए? हम खाना बना के देंगे। और कौन खाना बनाएगा? घर में आएगी? नहीं, पड़ोसी के घर आएगी। हाथ पैर ना तोड़ दे घर में आए। किसके हाथ पैर तोड़? किसे? तुम्हारे भी और उसके भी। यार ऐसा ही बुलाया है, कौन सा हमारा उसका रिलेशन है? नहीं है रिलेशन तो फिर बुलाने की जरूरत क्या है? अरे मतलब उसका फोन आया तो कह रही थी कभी बुलाओ हवेली पे, घर पे आते हैं। तुमने कहा आओ हवेली पे, उसने नहीं कहा। अरे मतलब वही है कि ऐसा ही। तुमको ज्यादा चुल्ल मची है। चुल्ल भाली क्या बात होगी इसमें? बुलाओ उसको। आएगा और हम यहाँ खाना बना के उनको खिलाएंगे। यार फिर वही बात है, कोई मेहमान है, मेहमान अब तो बना लो अपने हाथ से। यार फिर वही बात, अपने हाथ से बना लो। अतिथि देवो भवा का नाम नहीं सुना तुमने? ऐसे अतिथि नहीं चाहिए हमको, और 4 बुला लो, उनको बना के खिला देंगे। यार गर्लफ्रेंड नहीं तो थी, उसके साथ हमने कितनी रातें दिन गुजारे है। अरे मतलब 4 साल उसके साथ डेट किया है। तो किया है तो हम क्या करें? तो मतलब घर पे आ रही है तो डिनर ही के लिए तो बुला रहा हूँ, कौन उसके साथ चुम्मा चाटी करने के लिए बुला रहा हूँ। अरे कहना क्या चाहते हो? यार इसके लिए बुला रहे हो? पहली बात तो घर में आएंगे नहीं, दूसरी बात हम खाना बनाएंगे नहीं। क्यों नहीं बनाओगी? नहीं बनाएंगे। यार फिर वही बात, तुम्हारी गर्लफ्रेंड आएगी 4 साल पुरानी, उसके लिए हम बढ़िया खाना बनाएंगे। एक्स गर्लफ्रेंड यार, हम उसको कौन सा यहाँ रात में रोकने की, आधे घंटे की बात है, आधे घंटे में आके खा के चली जाएगी। तुमसे मीटिंग भी करा देंगे। हम मीटिंग करके क्या कर रहे हैं? अपनी मीटिंग करनी है तुमको, ये बोलो। यार अपनी मीटिंग करनी होती तो बाहर नहीं कर लेता, घर पे क्यों बुलाता? तो क्यों बुला रहे घर पे? यार ऐसे ही बुला लिया कि तुमसे मिलवा दूंगा। हमें कोई शौक नहीं है मिलने। हमारी कितनी अच्छी पसंद थी, वो तो तुमसे घर वालों ने शादी करवा दी जबरदस्ती। अरे मतलब मजाक कर रहा हूँ तुमसे। कुत्ते हो बिल्कुल। ये कुत्ता वाली बात कौन सी हो गई? कितना प्यार करती थी मेरे से, आज भी मरती मेरे लिए, कुछ भी कर सकती मेरे लिए। मर जाओ उसके लिए। मरती थी, अब तुमसे ब्याह हो गया। तुमसे ब्याह? यार फालतू की बात छोड़ो मेरे को, तभी तो नहीं छूट रही तुम्हारी। अरे छूट नहीं, ऐसे ही बुलाया, उसका फोन आ गया, बड़े दिन बाद तो 6 महीने बाद तो उसका फोन आया है। फोन आया कि तुमने ही किया है? अरे आया उसका फोन, हम क्यों करेंगे? हम क्यों करेंगे? कल मैं ले आऊंगा सुबह 1 किलो चिकन, खुद ही बना लेना। यार फिर वही बात, अगर बनाना आता तो काहे की दिक्कत? बनाओ तो मैं शौक है ना बुलाने का, घर में आएगा कोई, हम बना के खिलाएंगे उसको। यार फिर वही बात कर रही हूँ, और कोई बुलाने को ही नहीं मिला तुम्हें। अब एक चीज बताओ, कल की डेट में तुम्हारे घर से कोई रिश्तेदार आए तो फिर क्या करोगे? तो अपने घर से बुला लो, बना देंगे खिला देंगे। तुम्हारी गर्लफ्रेंड को नहीं ठेका ले रखा हमने? फिर वही बात, 4 साल रिलेशन में रहे और हम खाना बना के तुमको खिलाएंगे 4 साल? अरे यार एक चीज बताओ, शादी से पहले रिलेशन में थे, हम क्यों बुला रहे हो? अब क्या रिश्ता है तुम्हारा? अरे रिश्ता नहीं है, दोस्त है हमारी, कभी मिल जाती है दिल धड़क जाता है। मतलब यार मिल गई थी उस दिन तो कहने लगी कभी भाभी जी से मिलाओ। भाभी जी से मिलाओ या सौतन से मिलाओ? फिर वही बात, सौतन कहाँ से हो गई? उससे हमने कौन सी दूसरी शादी कर ली जो सौतन हो गई हो? शादी कर ली बड़े खाने के लिए तो आ रही है, खाने के लिए
कौन सा खाना खाएगी और चुपचाप चली जाएगी, कौन सा हमारे साथ बेडरूम में सोएगी? तुम तो यही चाह रहे हो। हमें चाहना होता तो ओयो आज की डेट में 500 रुपए में ओयो मिलता। तोड़ देंगे। अरे तुम बस बता यार, एक काम खोला करो थोड़ा, ओयो चले जाएंगे। तो तुम ही कह रहे हो ना, वो तुम्हारे मर्जी से, अगर सोना ही होता तो ओयो ना चले जाते, 500 रुपए में ओयो मिलता है। आईडी दो और 6 घंटे। चप्पल उठाओ। चप्पल वाली क्या बात है, बोलने में लगे हो तुम। तो तुम ही कह रही हो यार, कोई घर पे आ रहा तो उसे खाना खिलाना है। हाँ तो और किसी को बुला लो, हम बना देंगे, खिला देंगे। तुम्हारी गर्लफ्रेंड को नहीं बना के खिलाना? यार बाहर से मंगा लेंगे, घर में बुलाने की जरूरत क्या है यार। फिर घर वाली बात आएगी, तुमसे मिलेगी, बातचीत करेगी। हमें मिलना, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है मिलने में। तुम्हारी एक्सी बताओ तो कौन सा तुम्हारे साथ वो कोई वो लड़ाई झगड़ा करने आ रही है? अब थी एक्स, थी तो एक्स थी, थी तो रात गई बात गई। अरे रात कोई 4 साल गए, रात बाजी बात नहीं है। बट अभी तक सोते रहे क्या? यार वो ये नहीं कह रहा हूँ मैं, तो वैसे ही कह रहा था, उसका मन हुआ कि चलो। उसका मन कुछ नहीं हुआ, तुम्हारा हुआ। आओ कभी हवेली पे। हाँ तो हवेली पे ही तो बुलाया, कौन सा उसको हवेली पे? 4 साल के बाद मिली है, कितने दिन बाद शादी हो गई उससे, 6 महीने साल भर हो गए उसके बाद। दुख हुआ है ना यार, दुख वाली बात नहीं है। अरे खाने के लिए तो बुला रहा है, जाग गए बड़ी जल्दी से। यार एक चीज बताओ, किसी के साथ आदमी 4 साल रिलेशन में रहेगा, ठीक है, दिल लगा था, दिल कलेजा निकाल के तुमसे शादी करी मैंने। क्यों करी? किसने कहा था करी? किसने कहा था? हमने कहा था कि हमने हाथ जोड़े थे शादी कर लो हमसे। यार तुम्हारे पापा हाथ जोड़ रहे थे शादी कर लो, तो जरूरत तुम्हें एक स्पेशल थे ना, तुम्हारे हाथ पांव जोड़ेंगे। अरे मतलब यार खाने के लिए किसने मना किया था? इतना भड़क क्यों रही हो? खाना बनाए तंदूर का है, तुम्हें जला के धरते हैं तंदूर बना के। यार हमें तंदूर, हमें खाना बाहर से मंगा लूंगा। घर में तो आए, फिर वही बात, घर में क्यों आए, घर में नहीं आएगी, वो कहाँ बाहर जाएगी? जाओ तुम बाहर। यार देखो, एक तो मेरी शराफत देखो, ऊपर से घर में बुला रहा हूँ, क्यों बात कर रहे थे, क्यों बुला रहे हो घर पे? तुमसे मीटिंग करवा रहा हूँ। क्यों करवा रहे हो? अगर हमें डिनर मीटिंग करके उसके साथ बिजनेस करना, अगर हमें डिनर ही करना होता तो हम कहीं बाहर नहीं कर लेते? तुम तो हमारी शराफत पे उंगलियां उठा रही हो। बड़े शरीफ हो ना तुम, हमारे शराफत, जलेबी की तरह सीधे हो। जलेबी की तरह तो सीधे, अगर मुझे करना होता ओयो चले जाते, डिनर कहीं भी। क्या बात चले जाते? ए यार एक चीज बताओ, जब तक दम में दम रहती तब तक बच के रही हो तुम? क्यों फोड़ दूंगी आज तुम्हारा? यार आज क्यों फोड़ दूंगी? दम में दम, कुछ ज्यादा ही दम है तुम में। एक मिनट को यार, फोन आ रहा है उसको। हेलो, अरे रोजी तुम एक काम करना, शाम को 4 बजे आ जाना। हाँ यार तुम्हारी मनपसंद का खाना बनेगा, फिर चलेंगे ओयो कभी। ठीक ठीक ठीक। अरे बना दो यार खाना, क्या है? क्यों बना दे? या तो एक चीज डिसाइड कर लो। क्या कर ले? या तो उसे घर पे बुलाता हूँ, या तो मैं फिर उसको बाहर डिनर करवा के आता हूँ। क्यों जरूरी डिनर करा तुम्हारा? यार जब एक चीज बताओ, किसी से बोल दिया जवान दे दी। क्यों दे दी जवान? हमने कहा था देने के लिए। अब हमारी चीज तो दे दी तो दे दी, उसको पता नहीं क्या क्या दिया मैंने। फिर वही बात है, डिसाइड कर लो। क्या डिसाइड कर लो? या तो घर, तो मैं डिसाइड कर लो, या तो मैं बाहर उसको डिनर करा के आऊँ। क्यों करा के आओ? ऐसे कैसे जाओगे? कैसे जाऊंगा? पैरों से जाऊंगा, स्कूटी से जाऊँ। कुछ ज्यादा नहीं, तुम सड़क धरने लगे हो। ये सड़क वाली क्या बात है, सड़क कौन सा धर रहा हूँ? गर्लफ्रेंड यार एक चीज बताओ, जिस कल को आके घर में रहने लग जाए वो, तब कैसे घर में रहने लग जाएगी? कैसे क्या, जैसे अभी आने को लिए तैयार है। अरे तो वो आ रही है, उसको बुलाया है, गर्लफ्रेंड को इनवाइट किया है। यार एक चीज बताओ, जरूरत क्या है? मैं उस दिन मार्केट में मिल गई तो कहने लगी कभी मिलाओ कंचन जी से। क्यों मिलाओ? हमें नहीं मिलना। क्यों यहाँ के हमारे साथ कौन सा रात में सोएगी आके तुम्हारे बीच में? मेरी शराफत देखो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि घर पे बुलाओ, घर में बुलाओ, किसी को भी पता नहीं चलेगा तुमको। अब मैं बाहर करा के आता फिर तुम्हें पता चलता? बाहर करा के आता पता चलता तब बता दे तुमको। कब पता चलता? सीसीटीवी लगा रखा तुमने? सीसीटीवी लगा रखा है, सीसीटीवी से तुम नहीं है। हाँ कैमरा फिट कर रखा मेरे, कर रखा है। हाँ जाके तो दिखाओ, मैं तो 2 बार ओयो आया हूँ, तुम्हें पता चला? गए हो अभी, गए हो ओयो को, तुम्हारे ओयो सब उतार देंगे। निकल जाओ मेरे घर से बाहर। क्यों निकलना? ऐसे ही चले आए थे क्या हम? जो निकल जाएंगे तुमसे। यार मैं तुमसे शराफत से बोल रहा हूँ। मैं भी शराफत से बोल रही हूँ, ना खाना बनाने वाली हूँ, ना घर में कोई आ रहा है। ठीक है मैं बाहर से मंगा लेता हूँ, तुम मंगा लेते हो। हिम्मत कैसे हुई कल तुम्हें बुलाने की उसको? हिम्मत वाली यार एक चीज बताओ, इसमें हिम्मत क्या?
फोन घुमाया, फोन लगाया, बोल दिया, अब उसको 4 बजे का टाइम दे दिया। 4 बजे का टाइम, इसीलिए मेरी बेइज्जती कराने के लिए। हो जाए बेइज्जती, तुम्हारी इज्जत करता ही कौन है? हाँ, 4 साल से मेरे साथ रही है, 4 साल से रही है, एक थाली में खाना खाया तो नहीं रहती है। अब तो हम रहते हैं साथ में, हम खाते हैं खाना, ध्यान है मेरी? हाँ तो ध्यान। यार एक चीज बताओ ना, तुमको क्या नहीं देते, क्या नहीं करते? क्या नहीं करते? फर्स्ट एंड लास्ट ऑप्शन, या तो डिनर बना दो या तो मैं बाहर उसको करा के आता हूँ। जाके तो दिखा। मैं फोन करता हूँ। फोन करे और कस के चिल्लाओ, बाहर तक आवाज जाए, लोग तमाशा देखे। यार तमाशेबाजी क्या बात है? जाके उसके साथ घूमो और 4 लोग देखेंगे। घूमने यार एक चीज बताओ, अगर मुझे घूमना होता या कुछ तुम्हें यहाँ बुलाता? तो फास्ट एंड लास्ट ऑप्शन तुमको और दे रहा हूँ, या तो घर में उसके लिए बढ़िया सा खाना बना दो। क्यों बना, उसका ठेका दे रखा है ना? ठेका, ठेके वाली उसमें कौन सी बात है? ठेका ले रखा है तुम दारू बियर का ठेका चलाते हो, ठेका ले रखा है। ठेका जब देखो तब फोन उठा के किसी को भी बुला लेंगे। हाँ तुम्हारी गर्लफ्रेंड आने लगी, बहुत अच्छे। यार ये पहली बार तो आ रही है, 4 साल शादी, दोबारा भी बुलाओगे? मैं फिर उसको कल बाहर डिनर करा के आऊंगा। पैरों से जाऊंगा, कैसे जाऊंगा? मैं कह रहा हूँ मैं घर में बुला लो या उसको, या मैं, मेरी इज्जत का सवाल है। मैंने उसको, मेरी इज्जत का सवाल है, तुम्हारी कोई भी आ रहा घर भी नहीं आ सकता, ठीक है ना? क्यों नहीं आ सकता? क्यों नहीं आ सकता? जो था तुम्हारा कल था, आज कोई नहीं आने वाला है, तो मैं घर से बाहर निकल जाओ। ऐसे कैसे निकलना है, मेरा भी घर है। तो वो उसके घर में डिनर के लिए तो बुला रहा हूँ। डिनर के लिए बुला रही है? क्यों बुला रहे हो? मैं भी बता रही हूँ आखिरी बार, ठीक है ना? तुम्हारी हम सुने, फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग होगी। मैं तो फिर कल बाहर डिनर करूंगा, बात करके कह सकता हूँ। मैं भी चली जाऊंगी मायके, ठीक है ना? चली जाओ मायके, चली जाओ, बुला लो उसी को। रहे फिर यार, रहने वाली कौन सी बात है, तुम बाहर जाओ, मिर्ची लगी रहती है। उसको बुलाओ, बनाएगी, खिलाएगी, रखो आराम से। तो बनाने खिलाते रहना, फिर नहीं आने वाले हैं। फिर लगाने लगे तुम फोन? यार फिर बात वही है, तुम शराफत से समझाओ, समझ में नहीं आता। अरे यार तुम काली देवी क्यों बनी रहती हो हमेशा? तो तुम ऐसे छिछोरों वाले काम क्यों करते रहते हो हमेशा? गर्लफ्रेंड को बुलाएंगे, एक्स गर्लफ्रेंड है हमारी, कौन सा अभी उससे हमारे साथ तड़का नहीं है, तो अभी भी मतलब मत रखो। तो मैं कौन सा मतलब रख रहा हूँ उससे? फिर कैसे आ रहा है कल को? मैं कह दूँ मेरा बॉयफ्रेंड घर पे आ रहा, आने दोगे? बुलाओ बुलाओ बुलाओ, तब तो अपने लिए मिर्चा लगेगी, चार से डालो, थू थू करते घूमोगे फिर? तो भाई यहाँ से निकल जाओ फिर। क्यों निकलना? मेरा घर मेरा भी है, तुम्हारा ही नहीं है, ठीक है ना? तो फिर मैं उसको बाहर डिनर करा के आ जानू। अरे रोजी, अरे यार तुम कुत्ते बिल्कुल, अरे मजाक कर रहा था तुमसे। कोई तुम्हारी गर्लफ्रेंड 4 साल कोई गर्लफ्रेंड नहीं आ रही है, देखो। अरे मजाक कर रहा था, वो मजाक भी नहीं समझ में आता। देखो ये ऐसे गर्लफ्रेंड का फोन आया, झूठ ना बोला करो बार, ठीक है ना? मुक्का मार के दांत तोड़ देंगे तुम्हारे। देखो तब कमी ना बनती, बस फ्रेंड आ रही है। काम धंधा और कुछ है ही नहीं तुम्हारे पास। नो नो नो।